हेलो व्यूवर्स वेलकम बैक टू द चैनल सो आज हम बात करेंगे एक लेजेंड वर्सेस फ्रेश बाइक के बारे में यानी कि एन एस जो कि एक लेजेंड बाइक है इसके साथ कंपटीशन होगा एन टू जो कि बिल्कुल फ्रेश बाइक है न्यू बाइक है बट सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा है एन टू बट आज हम बात करेंगे दोनों में से कौन सी बेटर है क्योंकि दोनों की जो प्राइस डिफरेंट है वो ज़्यादा नहीं है बट पावर एंड इंजन में आपको डिफरेंट नज़र आ जाता है दोनों बाइक की जो टॉप स्पीड है आपको डिफरेंट नजर आ जाता है माइलेज में डिफरेंट नज़र आ जाता है सो so, दोनों में से कौन सी

था 300 एमएफ mm डिस्प्लेड एंड जो टायर साइज है ना भाई आपको 17 इंचेस एलोविल के साथ 100/80 6 का ट्यूबलेस टायर आ जाती है एमआरएफ की ओर से एंड टायर के ग्रिप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया ग्रिपिंग है एंड आपको अलॉयस पर आपको रेड टाइप के कुछ स्ट्रैप uh, दिया जाता है जो दिखने में बहुत ज्यादा एट्रैक्टिव होता है यहाँ पर देख सकते है साथ आता है अब बात करते हैं एन टू हंड्रेड की फ्रॉट के बारे में ज्यादा आपको नजर नहीं आएगा यहाँ पर आपको सिर्फ कार्बन फाइबर फिनिशिंग मटगा दिया जाता है जो एन टू फिफ्टी फ्लोटिंग मटरियर के साथ आता है एबीएस की बैचिंग टेलीस्कोपिक सस्पेंशन सेम टू सेम आपको दिया जाता है यहाँ पर देख सकते हो रिफ्लेक्टर एंड इस बाइक पे आपको

फ्रंट पर दिया जाता है ये देखो डीआरएल के साथ आता है एंड यहां पर ग्लॉसी फिनिशिंग आपको नजर आ जाएगा रेड एंड व्हाइट का स्टिकरिंग नोटिस कर सकते हो इस बाइक पर जितनी भी लाइटिंग सेटअप वगैरह आता है आपको एलईडी के साथ ही मिलता है ये देखो टर्न सिग्नल इंडिकेटर आपको के साथ ही दिया जाता है जो दिखने में बहुत ही बढ़िया है केटीएम के तरह दिखता है एंड इसकी जो मीटर कंसोल आता है बिल्कुल फ्रेश है न्यू है न्यू मीटर कंसोल आपको यहां पर दिया जाता है एन ट्वेंटी मीटर कंसोल सिंगल हैंडल बार के साथ एन आता है

टू फिफ्टी की बाइक है जहाँ पर आपको 24.5 फोर पॉइंट की पावर एंड 21.5 वन पॉइंट न्यूटन मेट आप टॉर्क देखने को मिल जाता है एन एच से टॉर्क ज्यादा है सीसी में ज्यादा है एंड पावर बिल्कुल सेम है दोनों बाइक की बट एन एच पर लिक्विड कूलिंग की ऑप्शन है बट एन टू पर आपको ऑयल कूलिंग के ऑप्शन देखने को मिल जाता है बट एन एस पर आपको यूज चार्जिंग स्लॉट देखने को नहीं मिलता जो आपको एन टू पर दिया जा रहा है एंड बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक फीचर फ्युच्ट से है क्योंकि आप अगर बाइक चलाते वक्त आपके फोन की बैटरी डैम हो जाता है सो यहाँ पर आप

आपको एन एच टू हंड्रेड पर भी सेम टू सेम देख को मिल जाता है एंड इस बाइक पर भी आपको सिंगल चैनल ए है इसलिए रियर पर कोई भी ए की ऑप्शन नहीं है टू थर्टी एम एम की रियर पर डिस्प्लेट है जो आपको एन एच टू हंड्रेड पर भी सेम टू सेम देख को मिल जाता है रियर पर कोई भी चेंजेस नहीं है यहाँ पर जो आपको मिलता है एनएस टू हंड्रेड पर भी सेम टू सेम आपको देख को मिल जाता है बट यहाँ पर आपको ड्यूल बैरल एक्सोस्ट दिया जाता है जो एन एच टू हंड्रेड पर अंडर वाली एक्सॉस्ट आता है एन टू फिफ्टी के लुक इसके लिए बे, ज्यादा बेहतर हो जाता है एंड यहाँ पर आपको देख सकते हो एडजस्टेबल स्विंगम है एन एस टू हंड्रेड पर भी ऐसे सेम टू सेम एडजस्टेबल स्विंगम आता है यहां पर आपको मोनोसॉक्स सस्पेंशन दिया जाता है रियर पर एन एच टू हंड्रेड पर भी मोनोसॉक्स सस्पेंशन रियर पर दिया जाता है दोस्तों so, दोनों बाइक की कंपेरिजन होने के बाद आपको एन एच टू हंड्रेड पर यूएसबी चार्जिंग स्लॉट नहीं मिलता है आपको वहां पर स्लीपर क्लच के कोई भी ऑप्शन नहीं है गियर

टू फिफ्टी बिल्कुल बेटर है क्योंकि यहाँ पर आपको इंजन के साथ एक features वाली देखने को मिल जाता है, so, ये एक बेस्ट वैल्यू फॉर मनी बाइक से price क्या कर बात एन एस टू हंड्रेड आता है बट so, आपको इंजन में डिफरेंट नजर आ जाएगा बाइक की जो स्पेसिफिकेशन है सो आप कौन सा लेना चाहते हो कमेंट करके जरूर बता ना, मुझे तो एन टू फिफ्टी ज्यादा बेहतर लगी क्योंकि इस पर आपको टॉर्क ज्यादा मिलता है यूएसपी चार्जिंग स्लॉट है स्लीपर क्लच की ऑप्शन है एंड एम टी जीरो बाइक की जो न्यू लुक है वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया सो so, मिलते अगले कोई वीडियो में तब तक अच्छे से रहिए टेक केयर बाय बाय जय हिंद दोस्तों